Greetings students, after the vegetative propagation, today we will learn the another method of asexual reproduction. So let's start with fragmentation. We see many green patches on the surface of stagnant water bodies, yani ki for example pond, dekha aapne pond mein lake mein, yani ki jahan water thehra hua hota hai, us water ki surface par green patches bane hote hain normally. To these patches called algae, Spirogyra. ये patches किसके बने होते हैं? Algae होती है and this type of algae is called Spirogyra. Spirogyra. Okay. Now आपने एक और example में देती हूँ. Tube well में आपने देखा होगा अगर पानी रुका हुआ हो कई दिन से tube well साफ ना हो तो उसमें काई लग जाती है. Algae हम बोलते हैं काई को. Thread होते हैं काई के. तो वो क्या है? स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा डिफरेंट शेप में होते हैं. एल्गी डिफरेंट शेप की होती है बट जो लंबे फ्रैगमेंट्स होते हैं जो धागे की तरह की थ्रेड लाइक फ्रैगमेंट्स होते हैं दैट इज स्पाइरोगायरा. तो स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस असेक्सुअली. स्पाइरोगायरा किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है? स्पाइरोगायरा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन मैथड. अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्पाइरोगायरा. The cell wall, green color structure, और ये इस तरह से इसमें क्या होते हैं? It's a diagram of Spirogyra. Now, when mature Spirogyra get break into small fragment. डिवाइडेड इन टू स्मॉल फ्रेगमेंट. ये स्मॉल फ्रेगमेंट में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है. नाउ दिस स्मॉल फ्रेगमेंट्स देन ग्रोथ एंड मेक मैच्योर फ्रेगमेंट. अभी जो स्मॉल पीसेस थे ये ग्रोथ करके क्या बन जाते हैं? मैच्योर स्पाइरोगायरा. तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स गेट डेवलप इन टू ग्रो इन टू स्पाइरोगायरा. ठीक है, अ मैच्योर स्पाइरोगायरा. तो इसमें क्या है? जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है इट्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल टू और मोर स्मॉल फ्रेगमेंट्स. देन ईच फ्रेगमेंट ग्रो एंड मेक अ मैच्योर स्पाइरोगायरा. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन. तो ये प्रोसेस हुई फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जिसमें एक फ्रेगमेंट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में या फिर कंप्लीट स्पाइरोगायरा में कन्वर्ट हो जाता है. दिस मेथड कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन.